हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। फिर से नए वीडियो के साथ आज एक ऐसे स्तनधारी जीव के बारे में बात करेंगे जो पानी में रहता है, जो दिखने में मछली की तरह दिखता है। ये देखने में बेहद ही आकर्षक लगते हैं। इसे मृतता के लिए भी जाना जाता है। अन्य जानवरों की तुलना में इसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है। इसका ठिकाना समुद्र और नदियाँ है। हाँ जी, तो हम डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल पृथ्वी पर डॉल्फिन की 41 जीवित प्रजातियां हैं। इनमें से 37 समुद्रों में और 4 नदियां में पाई जाती है। डॉल्फिन की उम्र 15 साल होती है। कुछ प्रजातियां 50 साल तक भी जिंदा रहती है। डॉल्फिन इंसान से 10 गुना ज़्यादा सुन सकती है, लेकिन ये खुशबू और बदबू का पता नहीं लगा सकती है। सबसे छोटी डॉल्फिन 4 फीट की है और सबसे लंबी डॉल्फिन 32 फीट की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉल्फिन टेलीफोन पर एक दूसरे से बात कर सकती है और पता लगा सकती है कि सामने फोन पर कौन है, जैसे उसका बेटा या कोई पहचान वाला हो। डॉल्फिन को अकेले रहना पसंद नहीं है, यह सामान्यतः समूह में रहना पसंद करती है। इसके एक समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं। जानवरों में सबसे लंबी आदाश डॉल्फिन की होती है। सबसे छोटी डॉल्फिन 40 किलो की और सबसे बड़ी डॉल्फिन 9000 किलो की है। आपको यह बात जानकर अजीब लगे, लेकिन डॉल्फिन खुद को शीशे में पहचान सकती है और खुद को शीशे में देखकर खुश होती है। अमेरिका नेवी के पास 75% की गई डॉल्फिन है, जो उनकी पानी के अंदर माइल्स और दुश्मनों को तैराक को ढूंढने में मदद करती है। डॉल्फिन एक आँख खोल कर सोती है। डॉल्फिन 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तैर सकती है, जबकि इंसान अधिकतम 8.6 किलोमीटर की स्पीड से तैर सकती है। डॉल्फिन और व्हेल जब बच्चे को जन्म देती है, तब सबसे पहले उसकी पूंछ निकलती है, न कि सिर। इनके दिमाग का एक हिस्सा जगा रहता है ताकि सांस लिया जा सके। डॉल्फिन एक ही समय में सोने और तैरते रहने की दोनों क्रिया एक साथ कर सकती है। डॉल्फिन में सांस लेने की प्रक्रिया स्वयं नहीं होती है, उन्हें अगर चेतना शून्य करने वाली औषधि दी जाए तो ये मर जाएगी। डॉल्फिन पानी में 990 फीट की गहराई तक जा सकती है और पानी से 20 फीट ऊपर तक उछल सकती है। यदि आपको कोई डॉल्फिन समुद्र से बाहर बीच पर मिलती है, तो उसे वापस पानी में भेजने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह ऐसा बीमार होने पर डूबने से बचने के लिए करती है। डॉल्फिन को अपने शरीर के वजन के करीब 1/8 हिस्सा खाना हर दिन चाहिए होता है, और यह छोटी मछलियों को खाकर अपनी भूख मिटाती है। डॉल्फिन के पास 2 पेट होता है, एक भोजन के भंडार के लिए उपयोग किया जाता है और दूसरा पाचन के लिए प्रयोग किया जाता है। 9 डॉल्फिन्स को बुल्स और मादा डॉल्फिन्स को काउज कहा जाता है। मादा डॉल्फिन अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उन्हें अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए तरह तरह के कौशल में निपुण कराती है। पहली 2 मुंह वाली डॉल्फिन 2014 में तुर्की की एक बीच पर पाई गई थी। डॉल्फिन का सेक्स नाभि से नाभि में होता है, और मनुष्य की तरह डॉल्फिन भी सेक्स आनंद के लिए करती है। डॉल्फिन का गर्भधारण काल 10 महीने का होता है, और प्रसव के कुछ दिन पहले से मादा डॉल्फिन का एक समूह गर्भवती डॉल्फिन की देखभाल करता है। जब किलर व्हेल और बटलेस डॉल्फिन का आपस में सेक्स करवाया गया, तो एक नई प्रजाति डॉल्फिन पैदा हुआ। डॉल्फिन कभी अपना भोजन नहीं चबाते, वे इसे पूरी तरह निगलते हैं। उन्हें दांत का उपयोग केवल उनके शिकार को पकड़ने के लिए किया जाता है। डॉल्फिन और व्हेल जब बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो वे चिल्लाने लगती है। डॉल्फिन अपनी त्वचा के ऊपर परत को हर 2 घंटे में उतार देती है। ब्रिटिश पानी में जितनी डॉल्फिन मौजूद है, वो सभी इंग्लैंड की महारानी की हैं। डॉल्फिन समुद्र का पानी नहीं पीती, क्योंकि यह इन्हें बीमार और यहाँ तक कि मार भी सकती है, और यह अपने भोजन से ही पानी की आपूर्ति करती है। डॉल्फिन की एक बड़ी खासियत यह है कि यह कंपन वाली आवाज़ निकालती है, जो किसी भी चीज़ से टकराकर आपस डॉल्फिन के पास आ जाती है। इससे डॉल्फिन को पता चल जाता है कि शिकार कितना बड़ा और कितना करीब है। डॉल्फिन बहुत ही समझदार जानवर है, और इसका मनुष्य के साथ वर्षों से बहुत ही मित्रतापूर्ण रिश्ता रहा है। मनुष्य की तरह डॉल्फिन भी दूसरे के देखभाल करने की भावना होती है। डॉल्फिन में बहुत ही नाजुक त्वचा होती है, कठिन सतह की थोड़ी सी खरोच में घायल होती है। हालांकि उनकी तेज से चिकित्सक विशेषता के कारण कम घावों को भी ठीक किया जा सकता है।
यह वैज्ञानिक द्वारा साबित कर दिया गया है कि डॉल्फिन खुद के नाम देते हैं और वे स्वयं को व्यक्तित्व विकसित करते हैं और वे उनकी अन्य डॉल्फिन के नामों को से पहचानते हैं।